कोतवाली पुलिस ने रविवार की शाम अपराधियों के धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत डीबी इंटर कॉलेज बैनीगंज परिसर से 7 अभियुक्त को हिरासत में लिया है। इसके पास से पुलिस ने 15,100 रुपए नगद, 2 चांदी के सिक्के, 2 लोहे की रॉड, 1 कैमरा, 1 लैपटॉप, 1 वीडियो प्लेयर, 1 LED टीवी, 1 रोल्ड गोल्ड चैन बरामद किया है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SPCT विनय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार 7 अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना कोतवाली तथा तिवारीपुर में विभिन्न मुकदमों में वांछित हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आरिफ पुत्र मोइन अहमद निवासी अस्करगंज थाना कोतवाली, हालपता रसूलपुर अजय नगर थाना गोरखनाथ, मुख्तार अहमद पुत्र दिलशेर अहमद निवासी नरकटिया बंधा थाना राजघाट, कासिम अली पुत्र शान मोहम्मद निवासी चुंगी तुर्कमान थाना कोतवाली, दिलशाद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट, आसिफ पुत्र जावेद निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट, कमरुद्दीन उर्फ मोनू पुत्र सलाउद्दीन उर्फ छोटे निवासी तुर्कमानपुर कसाई टोला थाना राजघाट, सलीम उर्फ मॉडल पुत्र तनवर निवासी बड़हरा थाना कोतवाली जिला कुशीनगर हालपता तुर्कमानपुर थाना राजघाट के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT विनय कुमार सिंह ने बताया। सीओ कोतवाली के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम द्वारा कुल 7 शातिर नकबजन या हाउस ब्रेकिंग करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए गए हैं और इनसे कुल 5 पूर्व में पंजीकृत चोरी के अपराधों का खुलासा किया गया और इनका एक साथी था जो गिरफ्तार है, उसने एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग किया था। वह चैन रोल गोल्ड की चैन थी और उसका पर्स भी छीना था। तो इस तरह से कुल 7 शातिर नकबजन हाउस ब्रेकिंग करने वाले चोर गिरफ्तार किए गए और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें 4 आदमी पूर्व में भी राजघाट थाने से चोरी करने के बाद पकड़े गए थे और उनसे कैश की रिकवरी हुई थी और इसमें अधिकतर लोग 6 महीने जेल रहने के बाद बेल पे आए थे और जमानत पे आने के बाद इन लोगों ने फिर जो है ये चोरी करने का काम प्रारंभ कर दिया था। नाबालिग नहीं, इसमें नाबालिग कोई नहीं, ये रेखी करते हैं। बेसिकली इनका जो चोरी करने का मॉडल सपरंडाई है, या 3 बजे के आसपास इनको लगता है कि पुलिस रात में 2 बजे के बाद गश्त करना थोड़ा शिथिल होती है, थक जाती है, इसके बाद ये क्राइम 3 से 4 बजे के बीच में करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है ये, करने के पीछे इनका ये पेशेवर अंदाज में चोरी करते हैं और इसके बाद अपने खर्चे चलाते हैं। चोरी करने के बाद ये शटर तोड़ी करने का काम करते हैं, शटर को तोड़ देते हैं राड से या ताले को तोड़ के। इनके जो भी इन्होंने चोरी किया है शटर तोड़ के ही दुकानों में चोरी किया है, आसपास के ही कोतवाली क्षेत्र के हैं, तिवारीपुर के हैं, राजघाट के पास के हैं।